सभी का स्वागत है लाइव टीवी समाचार में। बढ़ते हैं आज की खास खबरों की तरफ। बांदा जनपद के बबेरू तहसील पर उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के नगर अध्यक्ष के नेतृत्व में पदाधिकारियों के साथ उप जिलाधिकारी को 4 सूत्रीय मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें कस्बे में अवैध टेम्पो स्टैंड, बस स्टैंड एवं सड़क किनारे डंप बालू व गिट्टी को हटवाए जाने एवं साप्ताहिक बंदी कराने को लेकर ज्ञापन सौंपा है। पूरा मामला बांदा जनपद के बबेरू कस्बे का है, जिसमें उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के नगर अध्यक्ष मनीष गुप्ता के नेतृत्व में अन्य पदाधिकारियों के साथ तहसील पर पहुंचकर उप जिलाधिकारी सुरभि शर्मा को 4 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा है, जिसमें कस्बे के अंदर अवैध टेम्पो स्टैंड, बस स्टैंड अभी भी संचालित है, उनको हटवा कर दूसरी जगह शिफ्ट किया जाए। वहीं कस्बे में सड़क किनारे बालू एवं गिट्टी के डंप पड़े हुए हैं, जिससे आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं, जिसको हटवाया जाए और अतिक्रमण मुक्त सड़क हो सके। वहीं नगर में साप्ताहिक बंदी का नियम, जो हर सप्ताह बुधवार को निर्धारित किया गया है, उसका भी कड़ाई से पालन करवाया जाए और नगर के अंदर सफाई व्यवस्था करवाई जाए, जिससे व्यापारी एवं आम जनमानस धूल मिट्टी से बच सके। इन्हीं सभी समस्याओं को लेकर उद्योग व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने उप जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया है। इस मौके पर युवा नगर अध्यक्ष शिवा स्वर्णकार, वरिष्ठ उपाध्यक्ष रामलखन चौरसिया, योगेश कुमार गुप्ता, महामंत्री नारायण गुप्ता सहित लगभग आधा दर्जन पदाधिकारी मौजूद रहे। रिपोर्ट रामू तिवारी, बांदा। लेने आए थे उप जिलाधिकारी को, क्या है, किस प्रकार का ज्ञापन? आज जो नगर में थोड़ा सा अव्यवस्था है, उसी लिए आज हम लोग ज्ञापन देने आए हुए थे। जैसे कि अभी भी नगर में टेम्पो स्टैंड और बस स्टैंड मेन चौराहे अन्य जगह बीच बाजार में संचालित है, उसके लिए दिया हुआ था। और नगर में जो बालू, गिट्टी, ईटा रोड के किनारे पड़े हुए हैं, उसको हटवाने के लिए, साफ सफाई नगर में नहीं है उसके लिए, और साप्ताहिक बंदी कराने के लिए हमने एसडीएम साहब को ज्ञापन। कितनी सूत्री मांगों को लेकर? 4 सूत्री मांगों के लिए हमने ज्ञापन दिया। क्या कहा गया एसडीएम साहब के द्वारा? मैं एसडीएम साहब के द्वारा कि इनके जो अधिकारी हैं उनको पत्र लिखा जाएगा, जो भी समय लगेगा, कम से कम समय में इसमें जो है कार्रवाई की जाएगी। सुना आपका मनीष। तो ये थी आज की खास खबरें। ऐसी खबरों को देखने के लिए, ऐसी अपडेट को देखने के लिए हमारे साथ रोजाना बने रहे लाइव टीवी समाचार लोकतंत्र की आवाज में। धन्यवाद।